अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ डीपोलराइजेशन फील्ड। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें, कहता है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन द मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, आल्सो डिफाइन डीपोलराइजेशन फील्ड। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जो डीपोलराइजेशन फील्ड। तो सबसे पहले देखें, एज वी नो डैट द मैक्सवेल इक्वेशन इज पोलराइजेबल मीडिया इज डेल डॉट ई इज इक्वल टू करली प्लस करली पी ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर फॉर अनपोलराइजेबल मीडिया डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारे पास गॉज़स लॉ की जो है जी वो स्टेटमेंट है। ठीक, तो बट वी आर फेमिलियर विद पोलराइजेबल मीडिया केस, सो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो माइनस डेल डॉट पी, ये रिजल्ट है जी हमारे पास। ठीक है जी, रो पी के लिए जो कि बराबर होता है माइनस डेल डॉट पी, तो हमने उधर पुट कर दिया। ई एम टी में ये हमने डिटेल में जो है जी वो डिस्कस करना है, ये जो रिलेशन है। नेक्स्ट है जी, आगे आप देखें कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू रो माइनस डेल डॉट पी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई प्लस डेल डॉट पी इज इक्वल टू रो। तो मैं डेल ऑपरेटर को कॉमन लेने लगा हूँ, डेल ऑपरेटर डॉट एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इज इक्वल टू रो, वेयर डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ये भी हम ई एम टी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ वेक्टर यूज टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, सो वी हैव डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। ठीक है, सब की जगह पर हमने डी लिख लिया। द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स शो डैट दिस डिस्प्लेसमेंट वैक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। तो स्टूडेंट देखें, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है जी हमारे पास ई नॉट। ठीक, आप देख भी रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, जो हमारी एक्सटर्नल फील्ड है, और जैसे ही हम जो है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक एटम्स को प्लेस करेंगे तो फील्ड की मौजूदगी में वो जो है डाइपोल की शेप बन जाएगी। तो डाइपोल जो है यहाँ पर उनका नेगेटिव आ जाएगा, इधर उनका पॉजिटिव, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ डिस्प्लेस होगा, पॉजिटिव जो है वो उनका नेगेटिव की तरफ डिस्प्लेस, तो डाइपोल बनेंगे। तो जो डीपोलराइजिंग फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, डीपोलराइजिंग फील्ड की जो हमारे पास डायरेक्शन है वो ओपोजिट है अप्लाइड फील्ड के। सो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ई, वेयर ई नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आल्सो बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वी हैव डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, जैसा कि हमने इधर डिस्कस किया। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कर लेते हैं कंपेयर। कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ई प्लस पी। ठीक है जी, तो अब आप देखें कि डिवाइडिंग बाय एप्सिलॉन नॉट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, तो ई नॉट जो है जी, ठीक है, हमारी जो अप्लाइड फील्ड है वो आ जाएगा ई प्लस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं इधर से लिख सकता हूँ, ये जो ई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो आ जाएगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, माइनस डी पोलराइजिंग फील्ड, वेयर ई इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रिजल्ट देखें, रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है द पोलराइजेशन विल डिक्रीज द एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पर ये जो डाइपोल बन रहे हैं ये एक्सटर्नल फील्ड को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक, एज वी कैन सी फ्रॉम फिगर इट इज़ ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये अप्लाइड फील्ड है, डीपोलराइजिंग फील्ड इसके अगेंस्ट है। ठीक है, एंड ई नॉट माइनस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट विल लेस देन ई नॉट, सो द एक्सटर्नल फील्ड डिक्रीजेस। ठीक है जी, अब आ जाए स्टूडेंट डीपोलराइजेशन फील्ड की तरफ। द फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन चार्जेस लाइंग ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कॉल्ड डीपोलराइजेशन फील्ड, इट डिपेंड्स अपॉन जियोमेट्रिकल शेप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, आल्सो इट इज़ ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड,
इट इज़ डिनोटेड बाय e1। इसे हम किसे डिनोट करते हैं जी, e1 से। और e1 किसके बराबर है, माइनस p ओवर एप्सिलॉन नॉट, p पोलराइजेशन वेक्टर है। और एज वी नो दैट कूलम्ब कांस्टेंट इन SI सिस्टम इज k इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू SI में होती है 9 × 10⁻⁹ Nm² पर कूलम्ब स्क्वायर। बट इन CGS सिस्टम k जो है इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक। तो हम ले लेंगे जी 1 इज इक्वल टू 1/4 π ε₀, तो 1/ε₀ आ जाएगा जी 4 π के बराबर। सो e1 जो है हमारे पास, ठीक है जी, वो अब बन जाएगा, देखें ना इधर था 1/ε₀ माइनस पी ओवर एप्सिलॉन है, तो 1/ε₀ जो है उसकी जगह आ जाएगा 4 π, तो बन जाएगा −4 π p। तो e1 इज इक्वल टू −4 π p। सो 3 बिकम्स जो हमारी इक्वेशन 3 थी स्टूडेंट, ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं ये इक्वेशन। तो e इज इक्वल टू e0 माइनस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा −4 π p। तो देखिए इज इक्वल टू e0 −4 π p। सो e इज इक्वल टू e0 +e1। अब e क्या है, e है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। e0 क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और e1 क्या है, डीपोलराइजेशन फील्ड। इसका मतलब हमारे पास अप्लाइड फील्ड और डीपोलराइजेशन फील्ड का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है डीपोलराइजेशन फील्ड की डेरिवेशन से रिलेटेड, तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।